प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, जिसमें हमारे पास एक प्रिंटर है, मतलब मेरे पास एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर देर इज ओनली वन प्रिंटर एंड बहुत सारे यूजर्स हैं जो उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स. अब प्रिंटर एज वी नो इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस विच इज स्लोअर, विच इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द अदर लाइक CPU एंड ऑल मेमरी. तो हम उसमें एक मेंटेन करते हैं स्पूलर. स्पूलर क्या है? इट इज लाइक अ प्रोग्राम जो क्या करता है कि लाइक मल्टीपल जब यूजर्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो वो स्पूलर डायरेक्टरी में वो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं और फिर स्पूलर एक एक करके उन प्रोग्राम्स को निकाल के प्रिंटर को देते हैं सीक्वेंशली और फिर वो प्रिंट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लाइक अगर मेरे पास एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अपना एक डॉक्यूमेंट स्पूलर डायरेक्टरी में, लाइक दिस इज अ स्पूलर डायरेक्टरी, उस स्पूलर डायरेक्टरी में एक प्रोग्राम डालना चाहता है, अपना डॉक्यूमेंट डालना चाहता है, तो उसको ये चार लाइनों का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ता है. ये स्पूलर का प्रोग्राम है. अब इसमें लाइक लेट्स से सिंपल सा केस लेते हैं कि एक प्रोसेस आया P1, P1 ने एक डॉक्यूमेंट डालना है लाइक फाइल 1.doc, एक F1.doc फाइल है जो P1 इस स्पूलर डायरेक्टरी में डालना चाहता है, मतलब प्रिंट करवाना चाहता है, बट प्रिंट डायरेक्टली नहीं होगा, पहले वो स्पूलर डायरेक्टरी में जाएगा फिर वहां से प्रिंट होता है. और स्पूलर डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए एवरी प्रोसेस हैज टू फॉलो दिस, ये चार लाइनों का कोड उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. कैसे करेगा? सबसे पहले लोड mIn. इन यहाँ पे एक शेयर्ड वेरिएबल है, इन इज अ शेयर्ड वेरिएबल. अभी तो हमने एक सिंगल प्रोसेस लिया है, हो सकता है एक टाइम पे हम आगे जाके केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस सेम टाइम पे ही आ गए, तो उस टाइम पे वो सारे प्रोसेसेस शेयर करेंगे एक वेरिएबल जिसका नाम हमने लिया है इन वेरिएबल. और इन वेरिएबल क्या बताता है? पोजीशन बताता है जहां पे स्पूलर डायरेक्टरी में डॉक्यूमेंट को डालना है, मतलब एम्प्टी स्लॉट बताता है. अब जैसे इसमें ऑलरेडी स्पूलर डायरेक्टरी इज फुली एम्प्टी, तो बाय डिफॉल्ट इन में वैल्यू जीरो, बिकॉज जीरो पोजीशन इज एम्प्टी. तो जो भी एम्प्टी पोजीशन है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इन वेरिएबल देगा. सो मेमोरी काउंट ऑफ इन, मेमोरी लोकेशन, दैट इज अ मेमोरी लोकेशन ऑफ इन. व्हाट इज अ मेमोरी लोकेशन ऑफ इन? जीरो, बिकॉज इंडेक्सिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो जीरो विल बी लोडिंग इन टू आर आई. आर आई इज वॉट? अ रजिस्टर. रजिस्टर है लाइक आई की वैल्यू हम ले लेते हैं लाइक P1, प्रोसेस कौन सा है? P1. तो जो प्रोसेस का इंडेक्स है वही हम रजिस्टर में डाल देते हैं, तो रजिस्टर भी मेरा बन गया R1. R1 रजिस्टर है बिकॉज I की वैल्यू हमने 1 ले ली यहां से. अब ये रजिस्टर में हमने एक वैल्यू डाल दी, दिस मेमोरी ऑफ इन, मेमोरी लोकेशन ऑफ इन. मेमोरी लोकेशन ऑफ इन क्या है? 0. तो RI में वैल्यू क्या आ गई? 0. हमने लोड कर दी 0 वैल्यू रजिस्टर के अंदर. देन स्टोर फाइल नेम. व्हाट इज द फाइल नेम? F1.doc, डॉक फाइल है F1. उसको हमने स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ RI, RI इज अ लोकेशन, स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ 0, बिकॉज RI वैल्यू इज 0, RI मींस R1, R1 वैल्यू इज 0. तो स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ 0 में हमने क्या डाल दिया? F1.doc स्टोर कर दिया. ये वाला फाइल नेम हमने, ये वाली फाइल हमने स्टोर कर दी कौन सी पोजीशन पे? स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ 0th पोजीशन पे. देन इंक्रीमेंट कर दिया RI, बिकॉज ऑलरेडी ये वाला स्लॉट मेरा फिल हो गया, तो RI को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 0 से 1. 0 से 1 हमने रजिस्टर को इंक्रीमेंट कर दिया. अब 1 वैल्यू को हम दोबारा इन वेरिएबल में अपडेट कर देंगे. सो 0 से 1 वैल्यू हो जाएगी अपडेटेड. तो मतलब इन मेरा वैल्यू किस पे शो कर रहा है? 1 पे. मतलब नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट कौन सा है? 1. दैट इज फाइन. तो ऑलरेडी 0 पे फाइल 1.doc आ गई. अब होगा क्या? ये वाली फाइल प्रिंटर यहां से उठा लेगा और उसको क्या करेगा? प्रिंट कर देगा. दिस इज द नॉर्मल केस कि कैसे हम इस डॉक्यूमेंट्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को स्पूलर डायरेक्टरी में डालते हैं. नाउ लेट्स सी अनदर केस जिसमें हमारे पास प्रोसेस एक नहीं है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं. लेट्स से कि 2 प्रोसेसेस हैं, P1 एंड P2. P1 प्रोसेस एक फाइल है लाइक F4.doc और एक P2 है जो F5.doc फाइल को स्पूलर में डालना चाहता है. लेट्स से
कि हमारे पास स्पूलर में ऑलरेडी सम ऑफ द फाइल्स आर प्रेजेंट लाइक f2.doc, f3.doc, ये फाइल्स जो है ऑलरेडी स्पूलर डायरेक्टरी में पड़ी हैं। तो यानी इन जो है नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट पे आएगा, दैट इज 3। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट पे स्पूलर के अंदर तीन फाइल्स पड़ी हैं, f1, f2, f3.doc, और इन मेरा नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट जो कि थर्ड लोकेशन है उस पे पॉइंट आउट कर रहा है। और अब इस टाइम पे दो प्रोसेसेस आ गए विच आर कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस मतलब जो एक ही टाइम पे आ रहे हैं, पैरेलल है और कुछ ना कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं। कॉमन क्या शेयर करेंगे? P1 बोल रहा है कि मेरे को फाइल 4.doc स्पूलर में डालनी है, और P2 बोल रहा है मेरे को फाइल 5.doc स्पूलर के अंदर डालनी है। अब दोनों सेम कोड को शेयर करेंगे, बिकॉज P1 को भी फाइल को डालने के लिए ये चार लाइनों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, P2 को भी फाइल को डालने के लिए ये चार लाइंस को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दोनों सेम कोड को शेयर कर रहे हैं, और सेम कोड के अंदर कौन सी वैल्यू है? इन। इन इज अ वेरिएबल जिसको वो शेयर कर रहे हैं। अब देखो गाइस कि क्या प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो सकती है। लेट्स से कि दोनों प्रोसेसेस पैरेलल हैं, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है, चाहे P1 पहले आ जाए चाहे P2 पहले आ जाए। मींस अगर दोनों एक ही टाइम पे आ गए, कॉन्करेंट प्रोसेसेस हैं, तब भी दोनों में से एक ही पहले CPU मिलेगा, मतलब एक ही पहले स्टार्ट हो सकता है। ऑल्दो दोनों में से कोई भी लाइक P1 पहले स्टार्ट हो सकता है या P2। लेट्स से कि P1 कम फर्स्ट, P1 आया पहले, P1 ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, मींस दिस I1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। दिस इज द, लेट्स से दिस इज द I1, I2, I3, I4। I1 को एग्जीक्यूट किया, व्हाट इज द I1? मेमोरी लोकेशन ऑफ इन विल बी लोडिंग इनटू RI। व्हाट इज द मेमोरी लोकेशन? 3। सो 3 को उसने लोड किया RI। RI मींस उस प्रोसेस का इंडेक्स क्या है? P1, 1। तो यानी RI इज अ यू कैन से रजिस्टर। तो रजिस्टर में लेट से यहां पे लिख देते हैं RI R1। R1 में वैल्यू आ गई 3। R1 में वैल्यू इज 3। जस्ट जूम इन, R1 में वैल्यू इज 3। बिकॉज P1 आया, उसने सबसे पहले मेमोरी लोकेशन जो कि 3 था, 3 को उसने RI में लोड किया। R1 एक डेडिकेटेड रजिस्टर है प्रोसेस P1 के लिए। नाउ द फाइल नेम, व्हाट इज द फाइल नेम ऑफ P1? f4.doc, उसको लोड करेगा, स्टोर करेगा दिस स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ RI। व्हाट इज RI? R1, 3। तो थर्ड लोकेशन में फाइल का नेम क्या है? f4.doc। तो थर्ड लोकेशन में f4.doc को डाल दिया। नाउ इंक्रीमेंट ऑफ RI, इंक्रीमेंट ऑफ RI किया, तो यानी R1 की वैल्यू 3 से क्या हो गई? 4। 3 से वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 4 में। लेट से कि इस टाइम पे प्रोसेस जो है वो प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब P1 ने I1 चलाई, I2 भी चलाया, I3 को भी चलाया, बट इस टाइम पे वो क्या हो गया? प्रीएम्प्ट। यहां पे वो प्रीएम्प्ट हो गया, मतलब स्विचिंग हो गई। स्विच हो गया तो कौन सा प्रोसेस आ गया? P2 आ गया। अब लेट से P2 के, जब P2 आया, P2 ने भी अपना वही सबसे पहले I1 इंस्ट्रक्शन को चलाया। I1 इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द I1 वैल्यू? मेमोरी लोकेशन ऑफ इन। व्हाट इज द थर्ड लोकेशन? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इन? 3। मेमोरी लोकेशन ऑफ इन क्या है? 3। तो लोड किया 3 को RI। RI मतलब डेडिकेटेड रजिस्टर। लेट से इसके लिए हम R2 रजिस्टर ले लेते हैं। P1 के लिए R1 था, P2 के लिए हमने R2 ले लिया। तो R2 में वैल्यू क्या लोड कर दी? 3। स्टोर स्पूलर डायरेक्टरी ऑफ RI, मतलब R2 की लोकेशन क्या है? 3। तो थर्ड लोकेशन में फाइल नेम, इस फाइल का नेम क्या है जो P2 लोड करना चाहता है? F5। तो f5.doc किस लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगी? SD ऑफ RI, मतलब थर्ड लोकेशन में जाके वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब f5.doc थर्ड लोकेशन पे लोड हो जाएगी, या यू कैन से स्टोर हो जाएगी। नाउ थर्ड इसने एग्जीक्यूट किया, सेकंड भी एग्जीक्यूट कर दिया P2 ने, थर्ड एग्जीक्यूट किया, व्हाट इज द INCR ऑफ RI? मतलब इंक्रीमेंट किया, 3 से वैल्यू हो गई 4। नाउ स्टोर RI इनटू MIN, व्हाट इज द RI वैल्यू? 4। 4 हमने यहां पे
अपडेट कर दिया इन में। तो यानी R2 मेरा मतलब प्रोसेस P2 पूरा कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हम दोबारा से प्रोसेस 1 पे आएंगे, मतलब यहाँ पे दोबारा फिर सिस्टम प्रियम्प्ट हो गया, प्रियम्प्ट हो गया यहाँ पे दोबारा, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अकर हुई। तो P2 ने तो सारी इंस्ट्रक्शंस अपनी एग्जीक्यूट कर दी I4 तक, लेकिन P1 की एक इंस्ट्रक्शन बाकी थी I4, तो उसने अपनी I4 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। I4 इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टोर RI। P1 के लिए रजिस्टर कौन सा था, R1। R1 में वैल्यू क्या है, 4। 4 को लोड किया मतलब स्टोर कर दिया मेमोरी लोकेशन ऑफ इन। इन की वैल्यू क्या है, 4। उसको दोबारा अपडेट कर दिया 4 में, मींस फोर्थ लोकेशन इज एम्प्टी। यस, नेक्स्ट लोकेशन व्हिच इज एम्प्टी दैट इज फोर्थ। तो अब आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई, द प्रॉब्लम इज कि P1 लोकेशन, P1 ने अपनी फाइल को f4.doc को थर्ड लोकेशन में डाला और P2 ने भी ड्यू टू नॉन सिंक्रोनाइजेशन उसी लोकेशन में फाइल को स्टोर कर दिया, लोड कर दिया। तो जब इस फाइल को वहीं पे f5.doc को भी उसी लोकेशन पे लोड कर दिया तो f4.doc ओवरराइट हो गई, मींस वो वाली जो फाइल थी वो रिमूव हो गई यहां से। तो यानी यहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज लॉस ऑफ डेटा, डेटा ही लॉस हो गया, मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी उस वजह से डेटा ही लॉस हो गया एक प्रोसेस का। अगर आप इसको इस तरीके से चलाते हो, I1, I2, I3 पहले P1 की, फिर प्रियम्प्ट किया, फिर P2 की I1, I2, I3, I4 चलाई, फिर प्रियम्प्ट किया I4, आप पहले P2 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस सीक्वेंस को याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप इसको पहले P2 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मेन प्रॉब्लम ओवर देयर इज कि f1.f5.doc लोड हो गई, बट f4.doc का क्या बना, वो तो लॉस हो गई क्योंकि f5 भी उसी लोकेशन पे ही लोड हो गई जहां पे f4 थी। तो यहां पे मेरा डेटा का क्या हो गया, लॉस। अब ये क्यों अकर हो रहा है, बिकॉज सिंक्रोनाइजेशन यहां नहीं है। जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस एक टाइम पे ही कॉमन डेटा को, कॉमन कोड को, कॉमन वेरिएबल को शेयर करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब ये केस सेम वही है जैसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में डिस्कस किया, यहां पे भी वही है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जब हम रियल वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम को या एक सिचुएशन को लेके आते हैं। तो ये एक केस स्पेशल केस बनाया है कि अगर हम इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, चाहे हम सेमाफोर को यूज करें, चाहे हम मॉनिटर्स को यूज करें, मल्टीपल मेथड्स आर देयर, तो उन मेथड्स को यूज करने के बाद इन प्रॉब्लम्स को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, दैट इज परमानेंट। तो ये जो है स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रिंटर स्पूलर डेमॉन, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना अगर इन केस कोई भी आपको क्वेरी हो। थैंक यू सो मच।